Hello everyone, this is Manish Raghuvanshi and we are discussing here agriculture and allied sector related issues for BPSC examination. This video is in continuation of the already ongoing series that we are running for the BPSC mains examination. इसके पहले वाले सीरीज में, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बिहार में एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है. तो उसी क्रम में हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए, यह है ब्लू रिवोल्यूशन. ब्लू रिवोल्यूशन से हमारा तात्पर्य मछली और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उनसे है. इसके लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है. टेक्निकली फ्रॉम 1970s ऑनवर्ड दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड, बट इन द मॉडर्न टाइम वन मोर वर्ड विच इज द एक्वाकल्चर हैज गॉट प्रोमिनेंस इन द मार्केट. सो एक्वाकल्चर वर्ड भी यूज हो सकता है कि बिहार में एक्वाकल्चर का क्या प्रॉस्पेक्ट है, उसकी क्या समस्याएं हैं, या बिहार में ब्लू रिवोल्यूशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, बिहार में ब्लू रिवोल्यूशन क्या स्कोप है. तो वही सारे बिंदु हमको देखना है. तो स्कोप क्या है बिहार में ब्लू रिवोल्यूशन का, मछली का उत्पादन या फिर और जो अलाइड सेक्टर है मछली से रिलेटेड. एक्वाकल्चर अगर हम बोले और ब्लू रिवोल्यूशन बोले तो छोटा सा अंतर इसमें आपको स्पष्ट करना होगा. ब्लू रिवोल्यूशन अगर हम कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम फोकस कर रहे हैं केवल मछली के उत्पादन पर, और अगर हम एक्वाकल्चर बोल रहे हैं तो मछली का उत्पादन उसमें ऑलरेडी समाहित है और मछली के उत्पादन के अतिरिक्त हम और जो क्षेत्र हैं और चीजें हैं जैसे कि मोती उत्पादन, पर्ल फार्मिंग, ठीक, ऑयस्टर्स जो होते हैं उनका पालन करके अगर हम मोती का उत्पादन करते हैं, प्लस हम कुछ प्रकार की जो शैवाले हैं, एल्गा है जिनसे कि आयोडीन मिलता है उनका उत्पादन, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर हम देख सकते हैं. प्लस मछली के अलावा जो झींगा मछली वगैरह है वो सब भी इसमें आ सकता है. तो एक ब्रॉडर सेक्टर है ब्लू रिवोल्यूशन के कंपैरिजन में, ब्रॉड सेक्टर है. और कुछ सीवीड्स वगैरह भी उत्पादित हो सकते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग हो सकते हैं, ठीक है. तो स्कोप देखते हैं कि क्या ब्लू रिवोल्यूशन का क्या स्कोप है बिहार में. अब अगर हम देखें कि बिहार में बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स हैं, सदा नीरा नदियां हैं इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली. मोस्ट ऑफ द रिवर्स एक्सेप्ट बूढ़ी गंडक दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ हिमालय हैविंग ग्लेशियर्स. तो वहां से अगर निकल के आ रही है तो उनमें साल भर अच्छा खासा पानी रहता है, और पानी अगर रहता है तो उसमें मछली पालन हो सकता है. फिर दूसरा यहाँ पर हमारे पास में इसमें मुद्दा है कि बहुत सारी कैनाल उत्तर बिहार में जो आपके प्रोजेक्ट हैं, कोसी प्रोजेक्ट है, गंडक प्रोजेक्ट है या उसके अलावा छोटे और प्रोजेक्ट हैं, तो उनका निर्माण किया गया है. और दो प्रकार की कैनाल हैं. एक कैनाल वो है जिनमें कि बाढ़ के समय में पानी को डाइवर्ट किया जाता है ताकि पानी इधर उधर चला जाए और बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके, और एक वो कैनाल है जिनमें सिंचाई के लिए जिनका उपयोग होता है. तो इसी प्रकार और कुछ कैनालों का दोनों प्रकार से उपयोग होता है. तो इनमें अगर हम देखें तो 6-7 महीना या उससे भी ज्यादा समय तक अगर पानी रहता है इन नहरों में, सो दीज कैनाल्स कैन बी यूज्ड फॉर फिशिंग, फॉर ग्रोथ ऑफ फिश एंड फॉर ब्लू रिवोल्यूशन पर्पसेस. ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सबो लेक्स, जो छाड़न झील होती है. उत्तरी बिहार में बहुत सारी नदियां अपना मार्ग परिवर्तन करती हैं और बहुत सारी छड़न झीलों का निर्माण उत्तरी बिहार में हुआ है. तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी वजह से बिहार को मछली उत्पादन में बढ़त हासिल हो सकती है, मिल सकती है. फिर अगला है ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई इन मेनी एरियाज, हेंस इफ यू आर डिगिंग पॉन्ड यू कैन इजिली गेट वाटर, ठीक है. बहुत से लोग अपने खेतों में भी पॉन्ड का निर्माण करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं, एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें से जो पानी निकलता है उसमें मोती का उत्पादन किया जा सकता है, उसमें मछली पालन किया जा सकता है. तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो सकती है. तो पानी अगर ऊपर ही है तो बहुत छोटा कम गहराई पे भी पानी आपको मिल जाएगा. सो ग्राउंड वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन मेनी पॉकेट्स इन द वेरी ब्लू रिवोल्यूशन. देन लार्ज एरियाज आर अंडर पेडी कल्टिवेशन. Okay, in South India, especially in Andhra Pradesh, this technique is very popular that these very people are producing
फिशेस अलोंग विद द वेरी द पेडी प्रोडक्शन, तो जो धान के खेत हैं उनमें जो पानी भरा है वहीं पर मछलियों का उत्पादन हो सकता है। इससे न केवल धान की फसल को फायदा मिलेगा, जो मछलियां हैं उनका जो एक्सक्रीटा है दैट कंटेन नाइट्रोजनस मटेरियल, सो धान को खाद मिल जाती है और वीड्स का वीड्स भी मछलियां जो है वहां उससे ग्रोथ नहीं होता है इस प्रकार की चीज मछलियों की जो एक्टिविटी है उससे, तो दोनों में वो हेल्प करती हैं। तो ये जो आपका है पेडी कल्टिवेशन एरिया बहुत सारा, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन साइमल्टेनियसली हो सकता है। फिर एक और मुद्दा है कि बिहार जो है मछलियों का नेट आयातक राज्य है, तो वेस्ट बंगाल से और साथ साथ आंध्र प्रदेश से भी इतने दूर से मछली आ रही है बिहार में बिकने के लिए, तो बिहार में अपना जो ब्लू रिवोल्यूशन है मछली का उत्पादन बढ़ा करके और हम आसानी से जो किसानों की आय जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। फिर एक और मुद्दा है जो कि इसके स्कोप को बढ़ावा देता है, दैट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन वेजिटेरियन इन बिहार एंड फिश इज वेरी मच पार्ट ऑफ द डाइट फॉर द पीपल एंड हियर द डिमांड इज ऑल्सो हाई थ्रू आउट द ईयर इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली। अगर वहां पे माछ भात कल्चर है और मछली एक इंटीग्रल पार्ट है फूड का, ठीक है, खासतौर से बंगाल का प्रभाव है उत्तर में, जो बिहार उत्तरी बिहार जो है उसके पूर्वी भाग में तो खासतौर से बंगाल का कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बंगाल में तो मछली का बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, तो ये हमारे यहाँ बिहार में भी ये स्थिति कमोबेश बनती है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि आपको इसके स्कोप को बढ़ावा देते हैं, प्लस जो फिशरी के अलावा हम जो अगर इसी के साथ देखें तो ये आपके अलग जो एग्रोकल्चर प्रोडक्ट है जैसे पर्ल फार्मिंग है, श्रिम्प प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गा विच आर रिच इन आयोडीन एटसेट्रा, उसके लिए भी बहुत ग्रोथ के लिए स्कोप है। तो ये सारी चीजें हमको मिला जुला करके ब्लू रिवोल्यूशन के लिए मोटिवेट करती है, बिहार में हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है, अगर इतना अच्छा सब कुछ है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो इसका बढ़ावा नहीं हो रहा है, तो ये रही प्रॉब्लम्स। मेजॉरिटी ऑफ द फिश फार्मर्स और द फिशरमैन आर डूइंग दिस एक्टिविटी ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड द स्केल इज स्मॉल, छोटे स्केल पे अगर एक व्यक्तिगत मछुआरा जाके मछली पकड़ रहा है कुछ घंटे वो अगर वहां पे काम करता है और मछली पकड़ के लाता है और उसको बेचता है डायरेक्टली जाकर खुद ही मार्केट में बेच रहा है अपना स्टॉल लगाकर कहीं किनारे बैठ करके, तो उसका स्केल बहुत छोटा है और उसकी आय कोई इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से कर पाए, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमेशा ही वो ये सपने देखेगा कि वो कुछ और एक्टिविटी करे। तो एक अच्छा खासा एक्टिविटी जिसमें स्कोप है उसको छोड़ करके वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अलग क्षेत्र में आय के साधन जुटाने की रास्ते तलाशता है, तो ये एक समस्या है। अगर उसकी आय सस्टेनेबल हो जाए किसी तरीके से तो उसकी अगली जनरेशन भी उस काम में एंगेज हो सकती है और हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं यहाँ इस क्षेत्र में। फिर अगला है शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी फिश सीड एंड फिश फूड। अगर आप आर्टिफिशियली अपने खेतों में जो पॉन्ड बना करके इसका उत्पादन करना चाहते हैं या फिर जो ऑक्सबो लेक्स हैं चौर मन वगैरह है उत्तर बिहार में वहां हम ये करना चाहते हैं, तो आपको फिश सीड की जरूरत होगी बढ़िया वाले, जो मछलियों की वैरायटी आपको उत्पादित करना है उनके खाने की भी जरूरत होगी, और अगर ये उपलब्ध नहीं है क्वालिटी वाला जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो तो वो एक समस्या होगी। फिर आपका ज्यादातर जो बिहार है सब ट्रॉपिकल एरिया में है और सब ट्रॉपिकल एरिया में होने की वजह से 8-9 महीना टेम्परेचर ज्यादा रहता है, अगर 8-9 महीना टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर फिश पेरिशेबल आइटम है, फिश कैच के बाद जैसे ही मछली को पकड़ा जाता है उसको तुरंत रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो खराब होने लगेगी, अगर वो खराब होने लगेगी तो उससे फिर उसको बेच करके अच्छी आय प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके फार्मर्स हैं फिश फार्मर्स हैं या फिशरमैन हैं उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं बोट पे, विकसित देशों में जो फार्मर्स फिश फार्मर्स होते हैं या फिशरमैन होते हैं, फिश फार्मर मतलब अगर आप अपने पेडी फील्ड में प्रोडक्शन कर रहे हैं या अपने घर के खेत में तालाब खुदवा के उस पर कर रहे हैं तो आप फिश फार्मर हो, और फिशरमैन का मतलब है हम विशेष रूप में देखें कि अगर आप अपना किसी नदी में जाकर के अगर मछली पकड़ना है तो उस संदर्भ में दोनों वर्ड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 8-9 महीना अगर मान लो कि गर्मी ज्यादा है तो रेफ्रिजरेशन चाहिए होगा, और अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्वालिटी अफेक्ट होगी और उसकी अच्छा कीमत आपको नहीं मिलेगा। फिर ट्रॉपिकल कंडीशंस जो है ये ट्रॉपिकल कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर गेनिंग वेट, जो मछलियां हैं उनमें अच्छा वजन नहीं आ पाता अगर तापमान ज्यादा है, ट्रॉपिकल कंडीशंस है यूरोप अमेरिका में आप देखिए टेम्परेचर कम है तो वहां की मछलियों में इजीली दे विल गेन वेट,
ओके दिस थिंग इज विजिबल इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया दे आर थिन. ओके क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो आप जो खाना खाते हैं उतने खाने की आपको जरूरत नहीं होती है. और एनर्जी जो आपका जैसे यूरोप अमेरिका में बॉडी फैट जमा करती है लोगों में ताकि ठंड से निपट सके, वो सब यहाँ नहीं होता. तो आप मछलियों में भी यही स्थिति है कि फैट डिपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है. सो ट्रॉपिकल कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फिश. देन During monsoon, if there is a ban on fishing, see, fish farmers or fishermen are doing this activity on a very small scale. So, जो fishermen हैं, वो अगर नदियों में जाकर के मछली पकड़ रहे हैं और वहां पर नदियों में जब बारिश का जो सीजन है, रेनी सीजन है मानसून, उसमें बैन हो जा रहा है मछली पकड़ने पे, क्योंकि वो उनके लिए फिश प्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्टिव पीरियड है और रिप्रोडक्टिव पीरियड में सरकार बैन लगा देती है ताकि मछलियां सस्टेनेबल तरीके से हमको मिलती रहे. अच्छी बात है कि बैन लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन फार्म जो आपके फिशरमैन है उनके दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो एक समस्या उत्पन्न होती है कि वो लोग क्या करेंगे अब. तो उनको कोई दूसरा अल्टरनेट एक्टिविटी अपना सोचना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि जो उस समय में खाली समय में वो कर पाए. तो उनकी आय सस्टेनेबल नहीं रह पाती. तो ये जो आपके ब्लू रिवोल्यूशन में एक अड़चन है, तो या तो वो जो जिनके खेतों में अपना खुद का तालाब है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मछलियां नदियों में पकड़ने जा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये समस्या है. तो उनको कुछ दूसरा काम धंधा करना पड़ेगा. अब जो ये फिशरी सेक्टर है इसके ग्रोथ के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, कुछ स्टेप्स जिनको कि आप हाईलाइट कर सकते हैं. सिंस 1975 बिहार गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग फिशरी इन द स्टेट बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फिशरी फार्मिंग टेक्निक्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम चल रहा है 75 उसी समय से, तो उसी क्रम में बिहार सरकार भी फार्मर्स को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करके और ये जो मॉडर्न इनपुट्स इनको यूज करके फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, उसके लिए फंड रिलीज करती है और ट्रेनिंग वगैरह ये सारी गतिविधियां होती हैं, तो ये फिशरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है. ठीक, फिर 2019-20 में जो प्रोडक्शन है 6.4 लाख टन है और ये आपके जो टोटल जीवीए है बिहार का प्राइमरी सेक्टर का उसमें 8% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है. और आपके जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज दिस लेवल बाय 15% बाय 2025. तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, 15% जो प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन फिश से आए उसके लिए सरकार काम कर रही है. और इसी क्रम में सरकार ने 2021-22 में चौर विकास कार्यक्रम भी लॉन्च किया है, जिसमें कि खेती के साथ साथ जो चौर हैं, जब चौर उत्तरी बिहार में हमको बहुत संख्या में मिलते हैं, छड़न झीली हैं जिनमें कि पानी कम गहरा होता है और बारिश के 2-4 महीनों के बाद में पानी काफी कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है. तो बीच वाले जहां पानी है वहां पे तो हो सकता है कि आप चौर मन जो है दोनों एक ही जैसी संरचना है वहां पे आप मछली पकड़ पाए. कुछ क्षेत्रों में जो चौर का जो क्षेत्र है जहां पानी सूख जाएगा वहां खेती होगी. तो उनके विकास के लिए खेती प्लस ये दोनों एक्टिविटी के लिए काम करता है ये. तो चौर विकास कार्यक्रम में मछलियों के उत्पादन वगैरह से रिलेटेड भी फंड सरकार रिलीज करती है. फिर अब चूंकि व्यक्तिगत किसानों का जो हैसियत है उतनी अच्छी नहीं है कि वो आधुनिक जो नेट्स हैं जिन्हें मछली पकड़ी जाए और या फिर जो आपके जो बोट हैं, आधुनिक बोट, बड़ी बोट जिनमें रेफ्रिजरेशन की सुविधा हो या फिर घाट के ऊपर अगर सुविधा हो जाए, अगर मछली पकड़ के लाने के बाद घाट पे ही अगर हमारे पास कलेक्टिव एसेट्स हों. ठीक है, एक व्यक्तिगत फार्मर का अपना रेफ्रिजरेशन यूनिट नहीं है लेकिन कई लोग मिलकर के भी अपना एक जो कलेक्टिव बना सकते हैं. तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट कर रही है कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी आपके फिश फार्मर्स हैं वो अपना कोऑपरेटिव बना लें और वो कोऑपरेटिव के अंडर में काम हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिसको सारे लोग यूज कर पाए और जो यूजर चार्जेस वगैरह हल्के छोटे मोटे बियर करके वो उस आधारभूत ढांचे का उपयोग करें. तो ये इस प्रकार के कुछ स्टेप्स सरकार ले रही है. माइक्रो फाइनेंस भी सरकार जो है इस क्षेत्र में अवेलेबल कराती है जो छोटे फार्मर हैं उनको, ताकि वो अपने जो ये जो जहाँ जो बोट है या फिर आपके उनके रिपेयर मेंटेनेंस या जो नेट खरीदना है वो सारी चीजों को वो कर पाए. तो माइक्रो फाइनेंस इज ऑल्सो वन एक्टिविटीज गोइंग ऑन. सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज आर प्रमोटिंग माइक्रो फाइनेंस. तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप बता सकते हैं और बिहार के पास पूरी संभावना है. उत्तर बिहार में हम देखें तो बहुत सारे जिले हैं जो अच्छा मछली का उत्पादन करते हैं
और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो सकता है मछली का आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में इतना हम डिस्कशन कर सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद अगला टॉपिक हमारा डिस्कशन जो इसी कंटिन्यूशन में हम करेंगे बिहार के लिए आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसका विकास इजराइल ने किया है। ये खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो रही है। अगर हम देखें कि जो हमारे यहां खेती होती है दो रेनफीड खेती भी, वर्षा पोषित कृषि भी या मानसून आधारित खेती भी 75 सेंटीमीटर और लेस वर्षा ग्रहण करने वाले क्षेत्रों में होती है, और ये भी उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये दोनों उसी क्षेत्र में होती हैं, लेकिन ये एक लो प्रोडक्टिविटी को दिखाती है और डेवलपिंग कंट्रीज या एलडीसी लीस डेवलप्ड कंट्रीज में ही होती है, और ये आपकी हाई प्रोडक्टिविटी इसमें हमको मिलती है और ये आपके डेवलप्ड कंट्री में होती है। सो डेवलप्ड कंट्रीज में इसको किया जाता है। अभी बेसिक क्या डिफरेंस है इसमें, इसमें भगवान भरोसे खेती हो रही है कि ऊपर से जो बारिश आ जाएगी, जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनको हम यूज करते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स, ओके। और इसमें हम ये आपका पूरा का पूरा ये आपका ट्रेडिशनल है और ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है। इस रेनफीड फार्मिंग में जहां पे हम ने ट्रेडिशनल सीड यूज किए हैं सीड, अब यहां पे हम क्या करेंगे, मॉडर्न HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाली बीज, जिनमें क्या क्षमता होगी, इसमें क्षमता होगी कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगे, इनमें सूखा झेलने की क्षमता होगी। अगर दो चार दिन बारिश ना भी आए, आज 10-15 दिन का गैप हो जाए दो मानसून के दौरों के बीच में, तो वो झेल पाएंगे। ये लेस मैच्योरिटी वैरायटी होंगी कि कितना टाइम लगता है फसल को पकने के लिए, तो अगर 8 महीना 7 महीना में फसल पक रही है और 4 महीना में पक रही है, तो दोनों में कम जल की आवश्यकता इस वाले में होगी, लेस मैच्योरिटी। और ये जो आपके जो वैरायटीज हैं ये कम, इनमें टोटल पानी की आवश्यकता होगी, लेस वाटर रिक्वायरमेंट इसमें होगी, तो मैच्योरिटी भी लेस होगी और इनको पानी भी लेस वाटर रिक्वायरमेंट, टोटल इन टोटल ये कम पानी लेंगी। अब ये जो खेती होती है, इस खेती में हम लोग इरिगेशन कैसे करते हैं, तो इसमें हम करते हैं फ्लड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई। हमने जो पिछला डिस्कशन किया था जिसमें हमने बिहार में समस्याएं देखी थी कृषि क्षेत्र में, उसमें देखा था कि फ्लड इरिगेशन कैसे किया जाता है, पूरा जो फरोज है क्यारियों में पानी भर दिया जाता है, और इस मेथड में हम क्या करेंगे, उसी वीडियो में हमने देखा है कि हम लोग ड्रिप इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन की सारी जो भी मेथड्स हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर या पाइवोटल इरिगेशन सिस्टम, ठीक, या फिर इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन के लिए जो और टेक्निक्स हमने देखे थे, जैसे कि एक है मेथड फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन दोनों एक साथ, लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग होता है और
जो ड्रिप इरिगेशन होती है, बूंद बूंद जो पानी आपके फसल के पेड़ के जड़ के पास गिरता है उसमें उसी पे घोल दिया जाता है, फर्टिलाइजर को भी एक बड़े टैंक में फर्टिलाइजर घोल दिया जाता है, और जो पाइपलाइन इरिगेट कर रही है उसके साथ उसका भी कनेक्शन कर दिया जाता है, तो दोनों एक साथ उसी पानी में एक एक बूंद करके फर्टिलाइजर भी गिर रहा है। फिर इसमें मल्चिंग, मल्चिंग की टेक्निक भी हमने उस पुराने वीडियो में देखी है, तो मल्चिंग की पद्धति भी अपनाते हैं ताकि पानी का जो आपका अवशोषण हो कम, ठीक है। और प्लस इसमें वाटर को कंजर्व करने के लिए पॉली हाउस भी हमने उस वीडियो में देखा है, तो पॉली हाउस की भी हम आवश्यकता इसमें होगी ताकि हम जो ऊपर से इवेपोरेशन लॉस हो रहा है, जो भाप बन के पानी उड़ रहा है, उसको हम सीमित कर पाए। और ये जो मल्चिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो पॉलीथीन जो प्लास्टिक की शीट से कवर कर दिया जाएगा आपका जो क्यारियों को, तो जो अनवांटेड वीड्स हैं, पौधे हैं, वो भी नहीं उगेंगे, और जिसकी वजह से जो कंपटीशन होता है जल के लिए, जो नॉर्मल आपकी फसल है और जो बाकी और खरपतवार हैं वो भी कॉम्पीट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, फसल से पानी ले लेते हैं, तो वो नहीं होगा, तो आपको पानी कम लगेगा। तो इसमें हम जो आपकी इरिगेशन की टेक्निक है उस इरिगेशन की टेक्निक में चेंज करते हैं, और ये वाटर कंजर्वेशन नहीं करती और ये वाटर कंजर्वेशन करती है। प्लस इस मेथड में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगर हम देखें तो ये जो मेथड है ये आपका केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करेगी, और इस मेथड में हम लोग ऑर्गेनिक मेन्योर या बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर इनका, जब आप जैसे ही फसल में फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिलाइजर के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है, और अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, तो दिस सॉइल्स वुड रिक्वायर मोर इरिगेशन। बट इफ यू आर यूजिंग दिस वेरी ऑर्गेनिक मेन्योर, गोबर की खाद या फिर आपका बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनको अगर आप डालोगे तो पानी कम लगेगा। तो इस एग्रीकल्चर में हमको कम पानी के साथ ही ये काम करना है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम करता है। तो हमने देखा रेनफेड एग्रीकल्चर और जो आपका ये जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में डिफरेंस क्या है, ये आपका लेबर इंटेंसिव है, श्रम गहन, इसमें आप बहुत मेहनत करते हो, गरीब किसान है वो, उसके पास अपना श्रम है, सुबह से शाम तक उसमें लगा है, काफी मेहनत करता है, और ये कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि आपको हर एक चीज पे पैसा लगेगा, ड्रिप इरिगेशन, पाइवोटल इरिगेशन सिस्टम, ये सब लगाओगे तो इस पे आपको काफी सारा पैसा लगेगा। तो हम जो इसमें चाहे आपका सीड्स हो, चाहे आपका इरिगेशन मेथड हो, और ये इसके अलावा जो फर्टिलाइजर वाला जो लेवल है, इन सभी स्तरों पर हम ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं ताकि हमको कम पानी की आवश्यकता पड़े और उसी से हमारा काम चल जाए। तो हमारा जो ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, रेनफीड एरिया में ही ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है, इजराइल की टेक्निक है। सो ड्राईलैंड फार्मिंग इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज इन द एरियाज रिसीविंग लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी मतलब एक हेक्टेयर में, एक एकड़ में कितना फसल निकाल पाते हो आप, तो इसमें ये हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है। ये वाटर एफिशिएंट मेथड है जो अभी हमने देखा था, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, पाइवोटल, पॉली हाउस, मल्चिंग, फर्टिगेशन एटसेट्रा आर यूज। फिर जो सीड्स यूज कर रहे हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, लेस मैच्योरिटी वैरायटी है, कैपिटल इंटेंसिव है, नॉलेज इंटेंसिव है, साइंटिफिक है, नॉलेज चाहिए आपको, जो छोटी ये टेक्निकल जो चीजें हैं इनके लिए आपको अच्छा खासा जो नॉलेज चाहिए होगा वो सब लगेगा, उसके बिना ये नहीं हो सकता। ये टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करती है कि वाटर कैसे कंजर्व हो। जैसे एक फसल है, धान की फसल कटने के बाद गेहूं की फसल अगर आप जल्दी से लगा दें तो होगा ये कि वो जो धान की फसल में जब अभी बारिश गई है तो नमी नीचे है, ठीक। अगर आप उस खेत को खुला छोड़ देंगे तो इवेपोरेशन लॉस होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, और जब आप सिंचाई करोगे गेहूं में पहली बार तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। और इसमें क्या है कि अगर आपके कुएं में पानी नहीं है तो आप जल्दी से धान को काटने के बाद गेहूं की फसल लगा दें तो जो कम पानी है उतने में भी आपकी जल्दी सिंचाई होगी, क्योंकि खेत ऑलरेडी गीले हैं। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं एक फसल के दूसरे फसल के बीच में ताकि वाटर कंजर्व हो सके। फिर ऑर्गेनिक मेन्योर वगैरह ये सब इसमें यूज हम करते हैं।
वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखे थे, अब हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, और हमारे यहाँ इंडिया में भी ये क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड भी आ सकता है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सबसे पहले वीडियो में कि आपको तैयारी का अप्रोच क्या होगा। जो आपका ये पेपर है इसमें इंडिया और बिहार दोनों के संदर्भ में भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं, हो सकते हैं, सिलेबस यही है। तो भारत में या बिहार में इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट क्यों है, हमको क्या कर क्यों करना चाहिए, हमको हमारे पास भगवान भरोसे जो एरिया पे लोग जो खेती कर रहे हैं ड्राई एरिया पे, कम बारिश जहां हो रही है 75 सेंटीमीटर से कम, तो वहां पे हम क्यों हमारी रेनफीड को ड्राईलैंड में कन्वर्ट करें, उसमें काफी पैसा भी लगेगा, नई नई मशीनें और टेक्निक सारी यूज करनी पड़ेंगी। तो इशू ये है कि हम जो हमारे खाने का तेल है और दालें हैं वो कपास है। ठीक, तो अगर आप बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कपास को स्किप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन सिर्फ बिहार पे है, तो लेकिन अगर इंडिया पे है तो इसको हम डाल देंगे। तो ये पल्सेस ऑयल सीड्स तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं अगर बिहार की बात भी है। भारत अपनी आवश्यकता का 60% दाल आयात करता है, लगभग 60% खाने का तेल आयात करता है ऑयल सीड्स, और ये सारा का सारा उत्पादन कहां होता है इंडिया में, लगभग प्रोडक्शन हो रहा है रेनफेड एरिया में। तो हमको अगर इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो हमको रेनफेड एरिया को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना होगा ताकि वहां अच्छी उत्पादकता हो, ठीक, और फार्मर की इनकम भी बढ़े। दूसरा, अगर हमने अपने सारे नदी नालों पर बांध बना भी लिया तब भी हमारा भारत या बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारा एरिया तब भी बचा रह जाएगा जो कि मॉनसून पर निर्भर होगा, रेनफीड रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति होने वाली है तो आप देख सकते हैं कि हमको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डेवलप करना ही होगा क्योंकि बिना उससे काम हो ही नहीं सकता। अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल बिहार का 117 लाख हेक्टेयर है। ठीक, 117 लाख हेक्टेयर का मतलब यह है कि लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का एरिया है, तो 117 लाख हेक्टेयर मतलब कि पूरे बिहार के क्षेत्र में एक बार सिंचाई हो सकती है, और इसके अलावा 94,000 से स्क्वायर किलोमीटर से तो 117 में कितना गैप है, इतना एरिया पे एक बार और सिंचाई हो सकती है, मतलब पूरे एरिया पे एक बार सिंचाई, यानी कि जो रबी की फसल है उसमें एक बार सिंचाई, और रबी की फसल के बाद जो गर्मी का सीजन है उसमें भी 94 से 117 तक का जो डिफरेंस है उतना एरिया वहां पे सिंचाई हो रहा है। तो इतने एरिया में सिंचाई आप कर पा रहे हो तो लगभग ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा, तो लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम, और अगर चाहें कि जो गर्मी के बाद मतलब कि गेहूं की फसल कटने के बाद सिंचाई हो सके तो नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली मैक्सिमम 20,000 हेक्टेयर पे ही हो पाएगी जो तीसरी फसल है उसके लिए। तो उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज अगर हमको करना है तो हमको ये डेवलप करना पड़ेगा, तो हम तीसरी फसल भी ले पाएंगे, जितनी ज्यादा फसल ले पाएंगे कृषकों की आय उतनी ज्यादा होगी। तो ये आपका एक इश्यू है कि अगर हम सारा पोटेंशियल डेवलप भी कर ले तो अभी बहुत सारा एरिया रह जाएगा। ठीक, अगर हम इंडिया के लेवल पर देखें तो पूरा इरिगेशन पोटेंशियल डेवलप करने के बाद भी लगभग 60% क्षेत्र भारत के मॉनसून पर निर्भर रहेंगे ही रहेंगे, उससे ज्यादा का हम नहीं कर पाएंगे, वो अल्टीमेट पोटेंशियल है, तो ये हमको करना ही होगा। फिर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इन दोज एरिया द प्रोडक्टिविटी हैज रीच्ड टू इट्स पीक एंड वी कैन नॉट एक्सटेंड द प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। इफ यू आर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, ओके, इफ जेनेटिक ट्रांसजेनिक सीड्स आर बीइंग यूज्ड, इन दैट केस वी कैन हैव मोर प्रोडक्शन इन द फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन एरिया इटसेल्फ। लेकिन अगर हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं ला रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली ही चल रही है क्योंकि वो ट्रांसजेनिक सीड है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उनमें कोई जो वो हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट डालेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो बीटी कॉटन वगैरह में तो ठीक है इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन और फसलों में सरकार अनुमति देगी नहीं देगी, अलग अलग जो शोध चल रहा है स्तर पर कार्रवाई जारी है, फ्यूचर हमको नहीं पता। तो अगर वर्तमान के हिसाब से अगर काम चलता रहा तो हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में जो उत्पादकता अधिकतम हो सकती है वो प्राप्त हो चुकी है, और वहां पर उत्पादकता नहीं बढ़ सकती, लेकिन जनसंख्या तो हमारी बढ़ती जा रही है, तो उस परिस्थिति में जो एक्स्ट्रा जनसंख्या उसके लिए खाने का उत्पादन कहां से होगा। तो फूड ग्रीन प्रोडक्शन के लिए भी जो एक्स्ट्रा चाहिए वो यहीं से आ सकता है, तो अगर यहीं से आना है उसको तो यहां पे आपको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो आ पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएगा। फिर 60% ऑफ अवर एब्सोल्यूट प्योर्स आर स्टेइंग इन दीज रेनफीड एरियाज, एंड इफ यू वांट टू इलिमिनेट
पॉवर्टी, रिड्यूस टू रेडिकेट पॉवर्टी, सो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज मस्ट. जितने भी एब्सोल्यूट पुअर, एब्सोल्यूट पुअर मतलब दो वक्त की रोटी की जिनके पास समस्या है, ऐसे सारे के सारे जो गरीब हैं वो सब उसका 60% से ज्यादा रेनफीड एरिया में ही है. गरीब कहाँ है? वो क्षेत्र जहां पे आपदाएं हैं, समस्याएं हैं, या तो बाढ़ है या सूखा है. बाकी समस्त जगह पे उतने ज्यादा आपको एब्सोल्यूट पुअर, रिलेटिव पॉवर्टी तो सब जगह है. तुलनात्मक रूप से अगर हम कहें रिलेटिव कि ठीक है भाई, इनकम किसी की साल की 5 लाख है, किसी की 4 लाख है, तो रिलेटिव पॉवर्टी है 4 लाख वाले के पास में, लेकिन एब्सोल्यूट मतलब खाने के ही नाले पड़े हुए हैं, तो वो एक बड़ी समस्या है. फिर अगर हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर टेक्निक है इसका अगर हम प्रॉब्लम देखें, तो प्रॉब्लम ये है, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. पैसा लगेगा आपको अगर जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है, या पाइवटल सिस्टम लगाना है, या पॉली हाउस बनाना है, मल्चिंग करना है, ठीक, तो इन सारे, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल वेल वगैरह है उन सबको सिस्टमेटिकली डेवलप करना है, तो इसमें पैसा लगेगा. पैसा लगेगा, और हमारे अगर किसान, खास तौर से ड्राईलैंड रीजन में जो किसान है, अगर वो इंडेपनेस वाले इशू से, ऋणग्रस्तता से ऑलरेडी परेशान है, समस्याग्रस्त है, तो उनके लिए और ऋण लेकर के इन सारी सुविधाओं का विकास करना मुश्किल होगा. तो ये एक बड़ा समस्या है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है. दूसरा है इलिटरेसी ऑफ द फार्मर्स. फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड. फार्मर्स, ज्यादातर फार्मर अपनी नई जनरेशन को कृषि कार्य में लगना ही नहीं देना चाहते. वो चाहते हैं कि वो सब लोग पढ़े और शहरी क्षेत्रों में निवास करें और वहां दूसरी कोई आय का स्रोत ढूंढें, और जो वहां खेतों में जो काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक, वो लोग जो नई टेक्निक है उससे उतना अवेयर नहीं है. दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड. ओके, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उनको इम्पार्ट नहीं हुआ है. तो अगर इलिटरेसी है तो नई चीजों को वो समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे. अगर कोई मशीन लगी है उसका मैनुअल आता है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, दिक्कत होगी. या नए सीड्स कौन से आपके एरिया के लिए सूटेबल हो सकते हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वेरी इंफॉर्मेशन. देन शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मैन पावर फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट. अब अगर आपका जो पाइवोटल सिस्टम है या ड्रिप इरिगेशन है उसमें कोई दिक्कत, या फर्टिगेशन करना है आपको कि कैसे आपके कुएं से जो पानी निकल के आ, वेल से जो, ट्यूबवेल से जो पानी निकल के आ रहा है, एक बड़ा सा 2000 लीटर का ड्रम लेके उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर को घोलेंगे, और वो कैसे उस पाइपलाइन जो खेत आपके ट्यूबवेल से आ रही है उसके साथ कनेक्ट करके वो दोनों मिक्स होके किस क्वांटिटी में आपको एक 2000 लीटर के ड्रम में आपको जो आपका फर्टिलाइजर मिलाना है लिक्विड वाला, ताकि वो खेत में जिस स्पीड से मोटर चल रही है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर ना चला जाए. तो ये सब चीजों के लिए हमको जो टेक्निकल लोगों की जरूरत होगी वो हमारे यहाँ कमी है, या जो मशीनों की अनुपलब्धता है, या तो शॉर्टेज है, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, या फिर उनकी कीमत बहुत ज्यादा है. तो ये इसके अलावा जो सीड्स चाहिए, HYV सीड्स जो चाहिए, जो डेजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया में काम कर सके, उनकी कमी है. मशीनरी जो चाहिए उनकी कमी है, ठीक. फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो ये सारा जो नॉलेज है ये किसानों तक पहुंच पाए. साउथ बिहार में जहां पर इसके लिए स्कोप है, वहां किसानों को ये सब समझाने के लिए सही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आपके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इनको सारी सूचनाओं को उन तक सही रूप में पहुंचा नहीं पा रहे हैं. ये एक समस्या है. ये हमको चाहिए कि लैब टू फील्ड जो एक इंट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड समस्याएं हैं. अब स्कोप क्या है, कहां कहां पर स्कोप है? स्कोप है इसका दक्षिण बिहार में, जो आपका सदर्न प्लेटू है बिहार का, वहां पर ही वर्षा कम होती है, और या वहां पे मिट्टी ऐसी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वर्षा ठीक भी है तो कुल मिलाकर के उसमें नमी धारण करने की क्षमता नहीं है, तो इस वजह से वहां पर हो सकता है. तो बिहार का एक बड़ा क्षेत्र जो जहां ये हो सकता है वो दक्षिणी बिहार, प्लस उत्तरी बिहार में भी कुछ पॉकेट होंगे, जैसे कि आपका जो बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, सो स्प्रिंग यानी ग्राउंड वाटर उसका सोर्स है, वो माउंटेन्स जो ग्लेशियर है वहां से नहीं निकल के आ रही है, तो गर्मी के समय में उसमें पानी की मात्रा काफी कम हो जाएगी. तो ऐसे कुछ और भी पॉकेट होंगे जहां पर जो ये पानी की कमी होगी, गर्मी के समय में सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो उन जगहों पर इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं. तो जो तीसरी फसल है गेहूं की फसल के बाद, उस पे भी हम जा सकते हैं, उसका भी उत्पादन कर सकते हैं. जितनी ज्यादा फसल हम ले पाएंगे खेतों से उतना ज्यादा हमारा अच्छा इनकम होगा, तो यही हम चाहते हैं. और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कहां हो सकता है, तो भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, विदर्भ है, मराठवाड़ा,
ओके, पूर्वी महाराष्ट्र जो है उसको विदर्भ कहा जाता है, जो नागपुर है, अमरावती जो जिले हैं वो क्षेत्र, ठीक। फिर इसके अलावा नीचे जो तेलंगाना राज्य है वहां पर भी इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो ये जो क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र भारत का जहां पर कि ये जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो सकता है। इसी प्रक्रिया के विकास के विस्तार के लिए भारत ने इसराइल के साथ अपने संबंध स्ट्रांग किए हैं, मधुर किए हैं, ताकि वो टेक्निक भारत से में आसानी से आ सके और हम अपने जो कृषक हैं, जो पिछड़े हुए कृषक हैं, उनका हम उनकी हम आगे बढ़ने के लिए हम काम कर सके। तो इस आज के ये जो वीडियो के क्रम में हमने दो बड़े मुद्दों पर देखा, चर्चा की, एक तो था ब्लू रिवॉल्यूशन और एक तो था आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ और विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तो क्रम हमारा जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।